गाइस फाइनली ये रहा अपना बाइक यामाहा MT-15 वर्जन 2। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट व्लॉग आपने देखा था, हम लोगों ने किया TVS रोनिन का रिव्यू और आज हम लोग जा रहे हैं लेने के लिए डिलीवरी यामाहा MT-15 का। बट एक्चुअली वो यहाँ पे नहीं है, वो बोरीवली है। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था, तो यहाँ से बोरीवली तक ट्रैवल करना पड़ेगा एंड अभी उसके लिए मैं सब प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हेलमेट लेके जाना पड़ेगा और फिर जो जितना सामान कम हो सकता है उतना, क्योंकि आने के टाइम पर रेनकोट पहन के आना पड़ेगा और रेनकोट के अंदर फिर बैग जाता नहीं है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना कम सामान हो सके उतना, और यहाँ से निकलते हैं। बट निकलने से पहले ही बारिश आ गया। अब तक बारिश था नहीं और जैसे ही निकलना था वैसे बारिश जोरों का आ गया। बट चलिए कोई नहीं, इट इज़ वॉट इट इज़। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you, 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 you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby, I got you, you, you. गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं यामाहा के शोरूम में और यहाँ पे से हम तक को लेना है डिलीवरी यामाहा MT-15 वर्जन 2 का। सो चलिए अंदर जाके बात करते हैं एंड देखते हैं अपना बाइक कहाँ पे है। गाइस फाइनली ये रहा अपना बाइक यामाहा MT-15 वर्जन 2। तो अभी मैं आप लोगों को एक सबसे पहला चीज़ बता देता हूँ कि ये हम लोगों को मिला है रिव्यू करने के लिए, 5 दिन के लिए अपने पास रहने वाला है। इसमें हम लोग सब चीज़ों का वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे एंड यस, अपना चैनल ग्रो कर रहा है इसके वजह से अपने को ये अपॉर्चुनिटी मिला है एंड बिग थैंक्स टू यू गाइस, बिकॉज आपके वजह से ही ये अपॉर्चुनिटी अपने को मिला है। तो ये अपने को टोटल 5 दिन के लिए मिला है जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके का लगे रिव्यूज़ करेंगे। इसका लॉन्ग राइड भी एक छोटा मोटा करना है, देखेंगे संडे को ब्रेकफास्ट राइड समथिंग करके आएंगे। फिर इसके अलावा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ब्रेकफास्ट राइड अपने साथ जाने के लिए तो आप लोग कमेंट कर देना, हम लोग साथ में चलेंगे। फिर इसके साथ इसका माइलेज टेस्ट भी करना है एंड बाकी परफॉर्मेंस रिव्यू, सिटी राइड रिव्यू या ऐसा ओनरशिप रिव्यू, मतलब जब तक हम लोग पास रहेगा कितना किलोमीटर चलाएँगे तो क्या एक्सपीरियंस था, वो सारी चीज़ें हम लोग ये अपने वीडियो के अंदर शेयर करने वाला है। तो फिलहाल तो अभी इसको लेके निकलना है घर पे और हम लोग ने यहाँ से लिया है बोरीवली से। तो एक चीज़ ये है कि इसको लेके घर पे जाने तक बारिश बहुत ज़्यादा आने वाला है। सो लेट्स सी, देखते हैं। मैंने रेनकोट तो पहन लिया है एंड इसको मैंने चलाया था इसके पहले, मतलब तभी स्पीड और ये सब नहीं था। लोग ऑलवेज़ पूछते हैं कि सर इसका स्पीड क्यों नहीं दिख रहा है। बट द थिंग इज़, जब आप रिव्यू करने के लिए लेते हो व्हीकल तो व्हीकल का जो स्पीड है वो निकाला जाता है। बट ये काफ़ी अच्छा, इसमें सब चीज़ अपने को देखने के लिए मिलेगा, सब चीज़ अपने को समझने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें ऑडो भी चालू है, इसमें स्पीड भी चालू है, बाकी सारी चीज़ें हम लोग इसमें चेक करेंगे। और फिलहाल के लिए तो इसमें इतना पेट्रोल है कि ये घर पे चला जाए। फ्यूल टैंक तो इसका 10 लीटर का है एंड लेट्स सी। वाओ, एकदम स्मूथ स्टार्ट। ओहो, इट्स रियली गुड, आई एम एक्साइटेड टू राइड इट, लेट्स सी। आहा, शुरू में इसका पुल जो है वो थोड़ा स्लो ही रहता है, बट जब आप इस पर बैठ के इसको चलाना स्टार्ट करते हो, इसका पुश करना स्टार्ट करते हो, तब इसका पिकअप बहुत ही अच्छा मिलता है एंड दिस थिंग इज़ रियली गुड। अभी तो यहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहने वाला है क्योंकि हम लोग हैं बोरीवली के अंदर। एक चीज़ मैं भूल गया, सिंगल चैनल ABS है इसके अंदर, क्योंकि मैंने रियर ब्रेक्स बहुत ज़ोर से फ्रेश कर दिया था। चलिए कोई नहीं। ओके गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मानपाड़ा। यहाँ से मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है एंड अब तक हम लोगों ने इसको चलाया
समवेयर अराउंड 25 किलोमीटर्स के आसपास, और भी थोड़ा आगे जाना है, बट मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अब तक का जो भी मतलब मैंने फील किया ये 25 किलोमीटर्स के दौरान। इसका फुल डिटेल रिव्यू तो मैं जल्दी बनाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहेगी और वो मेरे दूसरे चैनल पे आएगा जिसका नाम है प्राग्स बाइकर्स गाइड। ये तो फ़िलहाल अभी क्या है, डेली व्लॉग बना रहे हैं तो डेली तुम जो काम कर रहे हो वो भी तो इंक्लूड करना चाहिए ना। तो डेली का अभी काम यही है, अपना बाइक को इंक्वायरी करो, पूछो, रिव्यू। शायद से मैंने लास्ट व्लॉग के में भी बताया था। तो पहला सबसे पहला तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बोल दूँ कि ये जो इसके मिरर्स पिकाचू के कान जैसे लग रहा है वो इसीलिए क्योंकि मैंने इनको ऐसा किया है, क्योंकि इनका जो लेंथ है वो बहुत ही बड़ा है, यहाँ तक बाहर तक आते हैं। और जब ये घोड़बंदर के ट्रैफिक से मैं निकल रहा था तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि लाइक वो आपको ट्रैफिक में थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं या फिर टूट सकते हैं, तो मैंने इनको थोड़ा सा ऐसा कर दिया। तो अभी ट्रैफिक भी दिखाई दे रहा है एंड आप ट्रैफिक से फटाफट निकल भी सकते हो। अभी दूसरा चीज़ जो अब तक के राइड के टाइम पे मैंने फील किया, जो चीज़ है वो ये है कि पावर काफ़ी अच्छा है, नो डाउट पावर में कोई इशू नहीं है एंड जो परफॉर्मेंस है इट्स रियली गुड। एक छोटी 150 सीसी बाइक से आप जितना एक्सपेक्ट कर सकते हो उतना ये बाइक डिलीवर करता है, दैट्स रियली रियली गुड। लाइक आपको पावर मिल जाएगा, परफॉर्मेंस मिल जाएगा, अच्छा लुक मिल जाएगा एंड उसी के साथ साथ एक अच्छा माइलेज भी मिल जाएगा ये बाइक से। सो दिख रहा है एंड उतना ही नहीं, 7000 RPM के बाद जब VVA टेक्नोलॉजी ऑन होता है आपको और एक्स्ट्रा जो पॉकेट में जेब में जो साइड में जो पावर रखा हुआ है वो मिल जाता है। सो ये देखो ये खींच रहा हूँ, ये 7000 के बाद VVA चालू हो जाएगा। वैसे यहाँ पे सिटी में तो इतना ज़्यादा हम लोग स्पीड में नहीं ले पाएंगे, बट स्टिल ये चीज़ है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इंजन हीटिंग देखो, मैं जब से वहाँ से निकला तब से लगे यहाँ तक मैंने वो इंजन को बंद ही नहीं किया, जस्ट बस रिसेंटली अभी GoPro लगाने के टाइम पे इसको थोड़ा सा बंद रखा था, बट इंजन हीटिंग नहीं है। तो जापानीज बाइक से जो आप लोग एक्सपेक्ट करते हो, इंजन स्मूथनेस, इंजन हीटिंग मतलब ब्लेस हीटिंग, वो सारा चीज़ आप लोगों को ये बाइक के अंदर मिल जाएगा डेफिनेटली। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने नोटिस की अभी तक, अभी तो और भी जब चलाएंगे तो और अच्छे से महसूस होगा या और अच्छे से पता चलेगा बाइक के बारे में, बट वो ये है कि लाइक जब आप बाइक को स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को वाइब्रेशन दिख रहा है, ये जो है यहाँ पे वाइब्रेशन आप लोगों को मिलते हैं। सेम चीज़ मिरर में भी जाता है, जब आपका एक सर्टन लेवल के ऊपर RPM पहुँच जाता है तो वाइब्रेशन नहीं है, बट जैसे देख रहे हो अभी यहाँ पे है तो अभी यहाँ पे मैं ये देखो ये धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे वाइब्रेशन है। सेम वाइब्रेशन आपको मिरर में भी मिलेंगे, लोअर RPM में वो आप लोगों को मिलता है, बट जैसे आप 3000-4000 RPM के ऊपर पहुँच जाओगे ना तो वहाँ पे आप लोगों को वाइब्रेशन नहीं मिलता है। हैंडल बार पे वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, और दूसरा चीज़ लेग्स फुट पैक्स पे भी आप लोगों को वाइब्रेशन नहीं मिलेंगे, इंजन में भी वाइब्रेशन नहीं है। अनलेस लाइक आप जब जाते हो समवेयर अराउंड ये ऑलवेज आदत है, ये यामाहा ने ऊपर नीचे कर दिया ना तो हर बार ऐसे होता है, जब भी सिग्नल इंडिकेटर बंद करना रहता है तो हॉर्न दब जाता है, हॉर्न बंद करने का टाइम पर सिग्नल इंडिकेटर दब जाता है। अच्छा, तो जो चीज़ मैं बोल रहा था वो ये है कि वाइब्रेशन लाइक आप लोगों को डेफिनेटली मिलते हैं, या फिर मतलब एक तरीके से इंजन में पावर कम होने वाला चीज़ आप लोगों को पता चलता है जब आप 80-90 स्पीड के आसपास जाते हो। ओ माय गॉडनेस, पूरा लाइक संडे को आके मैंने आपको बताया था कि पानी नीचे था और अभी आज तो ये पूरा ऊपर लेवल तक आ गया है। बट हाँ, जो उसका चीज़ छोड़ के जो मैं चीज़ बात कर रहा था वो ये था कि ये बाइक रियली मतलब गुड, बहुत ही अच्छा है। यस, प्राइस थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है, लाइक 2 lakhs के आसपास तक का, बट प्रीमियम बाइक का डेफिनेटली आपको फील देता है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार आपने क्यों 150 सीसी का बाइक लिया, एक प्रीमियम बाइक का आपको फील देता है।
और जहाँ पे पावर चाहिए वहाँ पे पावर भी आप लोगों को मिल जाएगा ये बाइक से। और क्या चाहिए मीन्स आपको एक बाइक से और क्या चाहिए, वो भी 150cc की बाइक से। अच्छा माइलेज, अच्छा लुक, अच्छा परफॉर्मेंस, लाइक किसी को इम्प्रेस करना हो तो दैट्स रियली रियली गुड। एंड जो ये बाइक से आप लोगों को मिल जाएगा, एक छोटा सा और चीज़ कि पीछे जो पिलियन वाला सीट है वो छोटा है, तो अगर ज़्यादा करके अगर आप लोग पिलियन के साथ क्या ट्रैवल कर रहे हो तो शायद से ये आप लोगों के लिए ऑप्शन नहीं हो सकता है। एंड दैट्स इट फॉर द व्लॉग, क्योंकि अभी हम लोग घर पे पहुँचेंगे एंड फिर पहुँच के मैंने खाना भी नहीं खाया, ऑलमोस्ट 3 बजने आया, भूख लगा है ज़ोरों का, सो वो चीज़ है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को MT50 के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों का अपना बेस्ट ट्राई करूँगा हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। एंड यस, जैसे मैंने बोला था ब्रेकफास्ट राइड के बारे में, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मुझे मैसेज करो मेरे इंस्टाग्राम पे, वहीं पे मैं आप लोगों को डिटेल प्रोवाइड कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।